शुरुआत करते हैं। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की साख दांव पर है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बागी शंकर सिंह वाघेला वोट डालकर निकले और उन्होंने साफ कह दिया कि अहमद पटेल को उन्होंने वोट नहीं दिया, अहमद पटेल को वोट देने का कोई मतलब नहीं था, ऐसा कहना वाघेला का। मैंने जो मेरी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बहुत समझाया था कि आप ऐसा ऐसा करिए, और फिर 21 जुलाई को हमने पार्टी को अपनी ओर से मुक्त किया था। आज पार्टी ने भी कहा कि आप हमारी ओर से मुक्त है, और जब कांग्रेस जीतने वाली है ही नहीं तो हमारा वोट बिना मतलब का कांग्रेस को देने का मतलब नहीं था, इसलिए हमने हमारे अजीज अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। मैं ऑनेस्टली, और उसका अफसोस भी है, लेकिन जो होमवर्क करना था अहमद भाई की रेपुटेशन के साथ पार्टी को ऐसा नहीं करने किया था। मालूम था कि एमएलए जा रहे हैं, कहा गया जाने दो तो जा रहे हैं, तो क्यों बेंगलुरु ले गए थे? जाने की जो होमवर्क करना चाहिए, इतनी बड़ी हस्ती को आप कंटेस्ट करने के लिए कहते हैं और फिर एमएलए को जाने भी देते हैं। अब वहां भी जो 44 है वहां भी ठिकाना नहीं है, हो सकता है 4-5 उसमें भी गिरेंगे, इसलिए जितने का सवाल पैदा नहीं होता। कांग्रेस इज कंसर्न, सो मैंने जो वोट देना था वो नहीं दिया, और लेट अस होप फॉर बेटर। क्या रिजल्ट आता है 5 बजे मालूम पड़ेगा। तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री हैं, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं, इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट के जीतने की संभावना अभी नहीं है। उनको पूछिए, लेकिन इन सबने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। लेकिन वाघेला कितने ऐसा है, आज की सिचुएशन ऐसी जी है। जी कल जी कल तक ये कहा जा रहा था खानल जडेजा आपके साथ था एनसीपी का, अभी भी है। ओके, दूसरा एमएलए है वो कह रहे हैं कि वो तो यूपीए के साथ में है। छोटू वसावा जो है वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ है। देखिए, वो इनकी अगर खराब हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, करने का सवाल ही नहीं है, तो गिनती का सवाल है, प्रेफरेंशियल वोट्स का सवाल है। अभी जी स्थिति है उसमें कांग्रेस के पास 40 भी नहीं हो रहे हैं, 44 है, इसमें भी खस्ता हालत है, वहां भी बहुत हंगामा लगा है, कॉन्फिडेंस नहीं था पार्टी को। अहमद भाई की रेपुटेशन के साथ पार्टी को मजाक नहीं करनी चाहिए थी, बार बार हमने चेताने के बाद भी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, इसका परिणाम शाम को 5 बजे मालूम पड़ेगा।